ओम शांति। वेलकम टू डिवाइन नेचर क्योर। मैं डॉक्टर बी के लवकेश। वुमेंस डे की आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो स्पेशल वुमेंस में आयरन की डेफिशिएंसी के लिए है कि अक्सर आज हिंदुस्तान में या और कहीं भी देखा गया है कि वुमेंस में आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लो बीपी का शिकार हो जाती है और बहुत ज़्यादा लो बीपी रहने लग जाता है और अक्सर करके थकान ज़्यादा महसूस होती है और हर समय पैरों में दर्द महसूस होने लगता है। तो बहुत से प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार में बहुत से सरल उपाय हैं जिनको आप अपनाकर इस खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला और कारगर उपाय है कि 20 से 25 मुनक्का या किशमिश आप रात को अच्छे से धुलाई करके रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी समेत उसको चबा चबा कर खाने से कुछ ही दिनों में खून की कमी दूर हो जाएगी। और जिनको लो बीपी रहता है ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया नुस्खा है। तो आप कुछ ही दिनों में करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर ही ये रिजल्ट दिखाएगा आपको, आपके अंदर खून की कमी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि कड़ी पत्ता जो है उसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो लस्सी लीजिए, लस्सी में 20 से 25 जो कड़ी पत्ते हैं, कड़ी पत्ते डालिए और मिक्सी में ग्राइंड करके उसको आप पी जाइए आराम से, तो उससे भी बहुत ही कुछ ही दिनों में खून की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है अपने किचन में लोहे की कढ़ाई लेकर के आए। पहले जो है खाना अक्सर लोहे की चीज़ों में बनाया जाता था, लेकिन आज एल्यूमिनियम या फिर नॉन स्टिक बर्तनों में बनाने की वजह से खून की कमी हो गई है। तो घर में लोहे के बर्तन लाइए, उनमें खाना बनाइए, पकाइए, उससे कुछ ही दिनों में खून की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और मैं आपसे सुझाव देना चाहता हूँ, जब भी आपका मंथली जो पीरियड साइकिल होता है उस दौरान आप डेयरी प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज ना करें, जिसमें दूध, दही, लस्सी और अनाज भी कम से कम खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको जिनमें आयरन ज़्यादा होता है, देखो प्रकृति ने हमें अपने आप सिग्नल देती है, जितने भी लाल चीज़ें हैं जैसे अनार है आपका, सेब है, तो उनमें गाजर, चकुंदर है, उनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का या इनका जूस लीजिए या वैसे खाइए तो आयरन की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। और पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का रस पीजिए या पाइनएप्पल की स्मूदी ले सकते हैं आप। अंगूर है, अंगूर का जूस आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ खजूर आप खा सकते हैं। और अंगूर का जूस, पाइनएप्पल, तो इन जो फ्रूट्स हैं, जूसेज हैं, चकुंदर, खीरा, जो इनका आप खाइए आराम से, गाजर का जूस पीजिए। और इसके साथ साथ एक ग्रीन जूस बनता है जिसको संजीवनी जूस भी कहा जाता है, उसमें पालक है, पुदीना है, धनिया, कड़ी पत्ता, सहजने के पत्ते जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, या सहजने की फली आप डाल सकते हो, और उसके साथ साथ थोड़ा जिंजर या टर्मरिक, कच्ची हल्दी आप डालेंगे और पानी डाल के उसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए और जितना आपने पीना है उतना आप पीजिए। एक बंदे के हिसाब से इसमें 3 से 4 आंवला भी आप डाल सकते हो। तो इस ग्रीन जूस को अगर आप पियेंगे तो इसके पीने से भी आपके अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी। तो आप जैसे पूरा परिवार का तो ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते, तो अपने भी ध्यान रखें। जब आप स्वस्थ होंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा, पूरे परिवार की संभाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक आहार को अपनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करें। कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हो। ओम शांति। थैंक यू।